Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla, right at your service. और मुझसे किसी ने पूछा कि भाई वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो सब खवातीन को लेने चाहिए आफ्टर 25 और आफ्टर 30. इसमें मैंने पहले भी बात की थी, मैंने कहा चले मैं क्रिस्पली और ज़्यादा बात कर लेती हूँ हार्मोनल बैलेंस के लिए. खासकर हर्बल टीज एक तो लेने की आदत डाल लें, ठीक है, वक्तन फोक्तन, अनलेस एंड अनटिल आप प्रेगनेंट नहीं है तो. प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं. कुछ हर्ब्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त एडाप्टोजेंस होती हैं, जैसे कि आपके पास अश्वगंधा हो गई, आपके पास तुलसी के पत्तों की चाय हो गई, मुलट्ठी की चाय हो गई आपके पास. ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ. खास करके जो तुलसी के पत्तों की चाय है ना, तुलसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एडाप्टोजन है. एडाप्टोजन से मुराद वो होती है वो सब्सटेंसेज जो कि जिस्म में स्ट्रेस, किसी भी किस्म के स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. हर वक्त ही हम स्ट्रेस में होते हैं और आफ्टर 25-30 बॉडी में और लोड और स्ट्रेस है, मर्द औरत बढ़ता जाता है. तो इट इज़ अमेजिंग, उसको आप लेने की आदत डाल लें. और उसको अगर आप हल्दी के साथ मिला लेते हैं और थोड़ी काली मिर्च के साथ, क्योंकि हल्दी जो है वो काली मिर्च के कॉम्बिनेशन में बड़ा ही तेज़ी से 100,000 गुना तेज़ी से काम करती है, तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी और बड़ा ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी. तो इन्फ्लेमेटरी बीमारियों से आप दूर रहेंगे और उससे ज़्यादा स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे. और क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज में स्ट्रेस ज़्यादा होता जाता है, मैग्नीशियम या ग्लाइसिनेट या लैक्टेट सिट्रेट और एस्कॉर्बेट के कॉम्बिनेशन में रात को सोने से पहले लेना शुरू कर दें. विटामिन डी, और क्योंकि औरतें कैल्शियम की बॉडी में जल्दी कम हो जाता है या बोन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है. हमारी एशियन जीन्स भी इतनी अच्छी नहीं है इस मामले में, तो विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम के कॉम्बिनेशन, इस पर मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, ये ज़रूर लेना चाहिए. अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज स्टार्ट हो गया है, ऑटोइम्यून स्टार्ट हो गया, आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, फैमिली हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो जो आप हर्बल चाय लेते हैं तुलसी के पत्तों की और हल्दी की, उसके अलावा आप टर्मरिक और कर्क्यूमिन का अलग से भी सप्लीमेंट ले सकते हैं. सब औरतें कोई अच्छा लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट जो ले सकती है. मेल्थिसिल इज माय फेवरेट, जो कि मैं खुद भी लेती हूँ 500 मिलीग्राम 2000 एमजी की डोज में. अपने हेल्थ कोच, अपने डॉक्टर से मशवरा करके, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या है, आफ्टर 30 हमारे स्टमक का एसिड कम होना शुरू हो जाता है. स्टमक का एसिड कम होने की वजह से खाने की डाइजेशन खराब हो जाती है, प्रोटीन कम डाइजेस्ट होती है, और जब पार्शली डाइजेस्टेड फूड, आधा कच्चा डाइजेस्टेड फूड आपकी आंतों की तरफ ट्रैवल करता है, तो जो उससे स्टिमुलस देना होता है डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रिलीज के लिए, पित्ते से, पैंक्रियाज से, आंतों से, वो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से गट का बैक्टीरियल इंबैलेंस, लीकी गट, ऑटोइम्यून डिजीज, हाजमे के मसले, IBS, IBT, बड़ा कुछ शुरू हो जाता है. इसको इसी उम्र में पकड़ने का तरीका यह है, जल्दी कि एप्पल साइडर विनेगर का एक चम्मच 150 मिलीलीटर नॉर्मल वाटर में सुबह खाली पेट या खाने से पहले लेना शुरू कर दें. और अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया तो बीटेन HCL जो है उसका सप्लीमेंट शुरू कर दें. प्रोबायोटिक्स सबको लेने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको सीबो नहीं है. सीबो से मुराद है कि छोटी आँख में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ नहीं है, तो उस वजह से अगर आप प्रोबायोटिक लेंगे तो वो फिर छोटी आँख में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ और ज़्यादा होगी, क्योंकि वो गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को फिर फीड करता है. सीबो नहीं है तो प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट जो है वो आप सबने लेना है. ये जनरलाइज सप्लीमेंट्स हैं, और अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं तो आपने टर्मरिक नहीं लेना है, ठीक है. कि जनरलाइज सप्लीमेंट्स हैं जो सबने लेने हैं एट दिस एज. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी. ऐसे ऑल गिव मी यट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.